वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन ऑन राखी। यार आज मैं आपको एक रेसिपी सिखाती हूँ, डोसा बनाना। मेरे बेटे को डोसा बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कल ही डोसे का बैटर वगैरह तैयार किया हुआ था। आज मैं आपको डोसे की रेसिपी बताती हूँ किस तरीके से बनानी है। आइए निकालते हैं थोड़ा। देखिए ये है मेरे डोसे का बैटर रखा हुआ है, ये आलू, ये टमाटर और प्याज मैंने पहले से काट के रखे हुए हैं, देखिए किस तरीके से डोसा तैयार होता है। मेरे यहाँ सबको डोसा बहुत पसंद है, मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को। तो मैं तैयार करके रख लेती हूँ, 2-3 दिन मेरा ये बैटर निकाला और सेका गरम गरम सबको। आइए आपको दिखाती हूँ डोसे का। ये देखिए मेरी ये सावर तैयार है, सावर मेरी इधर गरम तैयार हो गई है, बैटर है ये। मैंने एक कटोरी ली छोटी सी फैलाने के लिए इसको इसको देखिए बैटर ऐसा थोड़ा सा पतला किया हुआ है, ये गरम तवा हो गया है, थोड़ा ठंडा करके तवे पे ये इस तरीके से धीरे से फैलाना है डोसा। देखिए धीरे धीरे, ये देखिए चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी, धीरे धीरे हाथ से ऐसे। देखिए डोसा, फिर आपने गैस तेज कर दी, फिर उसके बाद थोड़ा होने के बाद इसमें हम रिफाइंड ऑयल ले लेते हैं। ये रिफाइंड ऑयल है, स्पून लेते हैं उससे, इस पर थोड़ा सा सिक जाएगा ये थोड़ा तेज आंच पे, फिर उसमें थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे। बहुत क्रिस्पी डोसा बनता है और इसकी बैटर इतना बढ़िया तैयार हुआ है इसके सब। जब मैं डोसा बनाती हूँ तो मेरे यहाँ मेरी जो किटी पार्टी आई लेडीज, मेरे पास मेरी सहेली है, मेरी सब को इतना पसंद है मेरे हाथ का। जब मैं बनाती हूँ तो शायद ही कोई है जो जिसने मेरे हाथ का डोसा नहीं खाया है, बहुत लाइक करते हैं सब मेरे हाथ का डोसा बनाया हुआ। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मैंने रिफाइंड डाला है, ये आलू जो मैंने करी पत्ता और ये सब डाल के फ्राई किए हुए थे इसमें डाला, और ये देखिए मेरी सांभर तैयार हो चुकी है। मेरे बेटे को बहुत पसंद है, ये खाएंगे, इन चारों बैठे हुए हैं वो। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा प्याज और टमाटर डाला हुआ है, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है और राइटिंग का भी, मैं लिखती भी हूँ पोएम वगैरह, मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है, तरह तरह की वैरायटी बनाती रहती हूँ ज्यादातर डेली, सभी को बहुत पसंद है। देखिए मैं अपने बच्चे के लिए सर्व करूंगी, अभी डोसा खाएगा वो। तैयार हो गया, गर्म हो गई सांबर, इसको ये चाकू लिया, ये देखिए डोसा तैयार होने ही वाला है, बस बहुत क्रिस्पी डोसा बनता है, बढ़िया। ट्राई करके देखिएगा, इसी रेसिपी में बताऊंगी आपको। ये बेटा फिर रख दिया जाएगा, मेरा बेटा फिर शाम को यही खाएगा, उसको बहुत पसंद है ये ऐसे ही रख दिया जाएगा, खराब नहीं होता, 1 हफ्ते भी आप इसका बैटर रखे रहें खराब नहीं होता इसका। देखिए बहुत
इसका बैटर मैंने रात में ही पीस के रख दिया था खमीर उठाने के लिए, क्योंकि इसका खमीर जाड़ों में तो 1.5 दिन करीब रखा रहना चाहिए, गर्मी में तो उठ जाता है 4-5 घंटे में, लेकिन जाड़ों में टाइम लेता है खमीर। इसका पीसने चावल और दाल का देखिए कितना क्रिस्पी रेड कलर का तैयार हो गया डोसा। देखिए फोल्ड किया गैस बंद की, ये देखिए डोसा, ये देखिए डोसा कितना बढ़िया क्रिस्पी तैयार है बनके। ट्राई कीजिएगा आप भी। थैंक यू।